आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, नेम द प्रोसेस व्हिच कॉजेस वाटर टू बी पुल्ड अपवर्ड थ्रू ज़ाइलम वेसल फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। हाउ डू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट डिफर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ फूड इन इट। क्वेश्चन ये है कि वाटर जो है वो रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है और ज़ाइलम से होके पूरे प्लांट को मिलता है, तो रूट से लीव्स तक वाटर कैसे पुल किया जाएगा, और ज़ाइलम और फ्लोएम इन दोनों के मूवमेंट में, जैसे ज़ाइलम में वाटर मूव करता है, फ्लोएम में फूड मूव करता है, तो दोनों के मूवमेंट में क्या फर्क है। रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा एंड रीचेस टू एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, और ये काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा ज़ाइलम वेसल्स। अब रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा वो लीव्स तक पहुंचने के लिए, जो टॉप पे रहते हैं, तो लीव्स में जो होता है ट्रांसपीरेशन यानी वाटर लॉस थ्रू स्टोमाटा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। और ये ट्रांसपीरेशनल पुल रिस्पॉन्सिबल होता है कि रूट से लीव्स तक वाटर पुल करने के लिए। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि वाटर की मूवमेंट और फूड की मूवमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है। ज़ाइलम जो है, देखिए ज़ाइलम की अगर हम बात करेंगे तो ये रूट टू ऑल पार्ट्स, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होगा, नीचे से ऊपर, फ्रॉम लोअर टू अपर पार्ट। लेकिन हम अगर बात करते हैं फूड की, जो कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ये फूड ट्रांसफर करता है, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, तो मल्टी डायरेक्शनल। और यही डिफरेंस है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ये होता है ज़ाइलम का, और फ्लोएम के बारे में अगर बोलना है तो ये मल्टी डायरेक्शनल होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।